अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन और घिया शोरबे वाला। तो ये देखिए, ये चिकन है, आधा किलो से ज़्यादा चिकन है। तो ये देखिए, ये घिया बॉयल मैंने करने के लिए रख दिया था। तो अब मैंने कढ़ाई में प्याज डाल लिया, एक कप ऑयल का डालूँगी, एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था। अब इसे ब्राउन कर लूँगी, प्याज को ब्राउन कर लूँगी। लेकिन लाइट सा ब्राउन हो गया, थोड़ा सा और कलर दूंगी और इसमें भी मैं चिकन डाल दूंगी। आज मैं ग्राइंड नहीं करके बनाऊंगी, आज मैं इसी तरह से बनाऊंगी। तो ये देखिए, प्याज मेरा ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। चिकन को भी थोड़ा प्याज के साथ रोस्ट करेंगे। एक टेबलस्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी भर के। तो ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया। तो ये मैं पीस के रख लेती हूँ, तो वो जमा हुआ था। तो ये देखिए, अब इसमें मसाले में डालूंगी, जिसमें हल्दी, नमक, मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये सब चीज़ें होंगी। और टमाटर का छिलके उतार के मैंने और उन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, तो वो मैं अब इसमें डालूंगी सारे मसाले और ये चीज़ें, नमक, हल्दी, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और टमाटर। दो अदर टमाटर थे, उनका छिलका उतार के मैंने छोटे छोटे पीसों में काट दिया ताकि ये मैश हो जाए, और नमक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसे भूनेंगे। और ये थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो वो भी बीच में डाल दिया। तो इसको अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक टमाटर वगैरह मैश ना हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि हमने थोड़ा सा शोरबा बनाना है, तो इस वजह से इसमें प्याज वगैरह मुँह ना आए। तो ये देखिए, टमाटर काफ़ी हद तक मैश हो चुके हैं, तो मैं चम्मच की मदद से भी मैश कर रही हूँ। तो इनकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, जितनी भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का बनेगा और ये सारी चीज़ें मैश हो जाएंगी, ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं हमें पड़ेगी। ये देखें, एक कटोरी मैंने भर के दही की डाली है, क्योंकि टमाटर मैंने थोड़े डाले हैं तो दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो दही के साथ इसको भुनेंगे। वैसे दही अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स किया है, तो इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए इसे मैंने ढक्कन लगाया है ताकि ये दही के पानी में अच्छे से गल जाए। तो 15 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा भी पानी था, तो अब इसकी भुनाई करूँगी। गोश्त चिकन हमारा गल गया, तो इसकी अब भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे भुनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे घिया जो मैंने बॉईल करके रखा है, उसको पानी भी डाल देंगे। उसे मैंने काट के धो के अच्छी तरह से पानी, 2-3 पानी से धो के फिर मैंने उसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो गया है, अब इसमें मैं घी ऐड कर दूँगी, पानी भी घी का डाल दूँगी और ये भी डाल दूँगी। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं एक कटोरी पानी और डालूंगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा शोरबा चाहिए, इस वजह से थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी, जिसमें थोड़ा सा भी घी में थोड़ा सा घिया भी थोड़ा सा कच्चा है, तो वो इसी में पक जाएगा। तो हल्की आंच पे, इसे दम वाली आंच पे मैं पकने के लिए रख दूँगी। ये एक कटोरी पानी मैं और डाला है, तो अब इसे मैं ढक के पकने के लिए दम वाली आँच पर रख दूँगी।
जब तक घी हमारा गल ना जाए और शोरबा भी पक जाए, जब तक इसे पकाएंगे। ये मैंने कैप लगा दी है तो अब इसको पकने देंगे। ये देखें, घी भी हमारा गल गया था और चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। तो जितना हमें शोरबा चाहिए था वो बन गया उतना। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है 1 चम्मच के करीब, और धनिया हरी मिर्चें डालेंगे, और घी हमारा बन के तैयार है, घी और चिकन। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें, उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।